Good morning, students. How are you? So in last lecture, we studied about multiplication and some properties of multiplication. Today, we will solve some word problem on multiplication. Okay, so what is multiplication? जैसा कि मैंने आपको बताया था, multiplication is a repeated addition. कि किसी भी नंबर को अगर हमें जैसे 5 है, 5 को अगर 4 टाइम प्लस करना है तो हम क्या करते हैं, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, है ना? तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, और उसी को अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं, 5 को 4 टाइम प्लस करना है, इट मींस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 5 4s are 20. सो मल्टीप्लीकेशन इज व्हाट? मल्टीप्लीकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन. वी नो that in a multiplication sum, the number to be multiplied is called multiplicand. Wo number jise hume multiply karna hai, jise hum upar likhte hain, this is called multiplicand. And the number by which we multiply is called multiplier. Aur wo number jisse hume multiply karna hai, use hum bolte hain multiplier. And the result of multiplication is called product. और जो multiply करने के बाद answer आता है, this is called product. See in this example, 125 multiplied by 3 is equal to 375. So we have, what is 125? 125 is a multiplicand, 3 is a multiplier, and 375 is our product. तो मल्टीप्लीकेशन के सम में जिस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना हो, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेंड. जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड मल्टीप्लायर. एंड द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट. ओके, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ अ स्टील अलमीरा इज रुपीज 5975. एक स्टील की अलमीरा, देखो, सी द पिक्चर ऑफ अलमीरा. द कॉस्ट ऑफ दिस अलमीरा इज 5975. वॉट इज द कॉस्ट ऑफ 864 सच अलमीरा? तो ऐसी 864 अलमीरा की कॉस्ट क्या होगी? नाउ सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ वन अलमीरा इज इक्वल टू रुपीज 5975. वन अलमीरा की कॉस्ट कितनी दी हुई है? 5975. तो कॉस्ट ऑफ 864 अलमीरा इज, एक का दिया हो और ज्यादा का पूछा हो तो क्या होता है? मल्टीप्लाई, ये आपको एक टिप दिया जाता है हमेशा कि एक चीज की कॉस्ट दी हुई है और ज्यादा की पूछी है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, क्योंकि उसका आंसर बहुत ज्यादा आने वाला है, बड़ा, तो क्या आता है? करते हैं मल्टीप्लीकेशन, है ना? व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? कॉस्ट ऑफ वन अलमीरा इज गिवन, दिस इज 5975, एंड कॉस्ट ऑफ 864 अलमीरा की कॉस्ट पूछी है. तो हम क्या करेंगे, हम 5975 को 864 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? सो मल्टीप्लाई बाई 864. अब मैंने आपको एक्सपांशन फॉर्म सिखाया था, एक्सपांडेड फॉर्म सिखाया था, किसी भी नंबर को खोल के लिखना. तो हमारा मल्टीप्लायर क्या है? व्हाट इज अवर मल्टीप्लायर? 864. तो अब देखो, मैं इसको खोल के लिख दूंगी, 800 प्लस 60 प्लस 4. सी, उसी के आगे जहां पे हमारा मल्टीप्लायर लिखते हैं, उसी के आगे हम उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिख देंगे, ठीक है? What is this? This is 864. So 800 plus 60 plus 4.
अब फर्स्ट लाइन में व्हाट इज अवर मल्टीप्लिकेंट 5975 तो राइट हियर 5975 मल्टीप्लाई बाय 800 फिर आप सेकंड लाइन में लिखोगे 5975 मल्टीप्लाई बाय 60 और थर्ड लाइन में लिखोगे 5975 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब मल्टीप्लायर को हमने खोल के लिख दिया फिर मल्टीप्लिकेंट को एक एक करके पहले फर्स्ट 800 से मल्टीप्लाई किया सेकंड लाइन में 60 से मल्टीप्लाई किया थर्ड लाइन में 4 से मल्टीप्लाई किया ठीक है अब देखो तो हम कर रहे हैं 800 से मल्टीप्लाई तो हाउ मेनी जीरो इज देयर इन 800 20 तो फर्स्ट यू राइट 20 हियर 1 2 यहां पे 800 में दो जीरो है पहले हम दो जीरो लिख देंगे यहां पर ठीक है अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 8 5 40 का जीरो यहां पे आ गया और 4 हो गया यहां पे कैरी ठीक है ये 4 हो गया कैरी अब 8 7 56 56 plus 4 57 58 59 60 तो 60 का जीरो यहां आ गया और 6 कैरी हो गया इस 9 के ऊपर हो गया 6 कैरी ठीक है अब 8 9 72 72 plus 6 after 72 73 74 75 76 77 78 तो 78 का 8 आ गया यहां पर और 7 हो गया यहां पे कैरी हो गया 7 अब 8 5 40 40 plus 7 47 वो हमने लिख दिया यहां पे समझ में आया ऐसा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन बेटा है बहुत इजी कुछ नहीं देखो 800 से हमें मल्टीप्लाई करना था मैंने आपको 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना सिखाया था 10 में 10 होता है तो 10 लगा देते हैं पहले फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से फिर 100 में 20 होते हैं तो 20 प्रोडक्ट में लगा देते हैं फिर इस तरीके से अब यहाँ पे 800 है तो हमने 800 में कितने जीरो हैं 20 तो पहले हमने 20 लगा दिए फिर 8 5 40 40 का जीरो लिखा यहाँ पे और 4 कैरी हो गया यहाँ पे 8 7 56 56 plus 4 60 60 का जीरो लिख दिया यहाँ पे 6 कैरी हो गया 8 7 8 9 72 72 plus 6 78 8 लिखा यहाँ पे 7 कैरी हो गया यहाँ पर 8 5 40 40 plus 7 47 तो ये हो गया 800 से मल्टीप्लाई अब सेकंड लाइन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से कितने जीरो यहाँ पे 1 तो फर्स्ट यू पुट दिस जीरो हियर 1 10 लगा दिया अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 40 तो 40 का जीरो हो गया यहाँ पर और 4 हो जाएगा यहाँ पे कैरी हो जाएगा 4 कैरी ठीक है 6 7 42 42 plus 4 43 44 45 46 है ना 6 7 42 42 plus 4 43 44 45 46 सो यहाँ पे 6 आएगा बेटा है ना क्योंकि देखो 6 5 हुआ 40 40 का जीरो 4 कैरी 7 6 42 42 plus 4 43 44 45 46 6 5 है बेटा सॉरी देखो 60 से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट हमने जीरो लगा दिया 6 5 30 6 5 आता है 30 है ना 6 5 30 30 का जीरो 3 कैरी होगा बेटा यहाँ पे 3 कैरी होगा 6 5 30 30 का जीरो 3 कैरी 6 7 42 है ना 6 7 42 42 plus 3 43 44 45 45 का 5 4 कैरी हो गया 6 9 54 54 plus 4 55 56 57 58 तो 8 आ गया यहाँ पे और 5 हो गया कैरी यहाँ पर
ओके, सिक्स फाइव जा थर्टी, थर्टी प्लस फाइव 35, तो ये हो गया 60 से मल्टीप्लाई। अब थर्ड लाइन में हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 फाइव जा 4 में तो इधर कोई जीरो है ही नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 फाइव जा 20, 20 का जीरो यहाँ पे आ गया 2 कैरी, ठीक है। अब 4 सेवन जा 28, 28 प्लस 2 30, 30 का जीरो 3 कैरी, 3 कैरी। 4 नाइन जा 36, 36 प्लस 3 37, 38, 39, 39 का 9 यहाँ पे और 3 कैरी। और 4 फाइव जा 20, 20 प्लस 3 23। अब ये तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 9 प्लस 5 आफ्टर 9 के बाद 9 इन योर माइंड, 5 इन योर फिंगर आफ्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 प्लस 0, 14, 14 का 4, 1 कैरी। नाउ 8 प्लस 3, 8 प्लस 3, 11, 11 प्लस 1, 12 का 2, 1 कैरी। नाउ 5 प्लस 2, 7, 7 प्लस 8, 7 इन योर माइंड, 8 इन योर फिंगर, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 प्लस 1, 16 का 6, 1 कैरी। नाउ 7 प्लस 3, 7 इन योर माइंड, 3 इन योर फिंगर आफ्टर 7, 8, 9, 10, 10 प्लस 1, 11 का 1, 1 कैरी। नाउ 4 प्लस 1, 5। सो योर आंसर इज क्या हो जाएगा, 1 अल्मीरा की कॉस्ट कितनी थी, 5975 थी। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 864 सच अल्मीरा, ऐसी 864 की क्या कॉस्ट होगी, दिस इज हाउ कैन यू रीड वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, इट मीन्स 51,62,400 इज द आंसर, है ना। द कॉस्ट ऑफ 864 अल्मीरा इज 51,62,400। तो क्वेश्चन समझ में आए, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ वन अल्मीरा इज गिवन एंड कॉस्ट ऑफ 864 अल्मीरा हमें पूछी है। तो फर्स्ट यू राइट कॉस्ट ऑफ वन अल्मीरा, देन कॉस्ट ऑफ 864 अल्मीरा इज, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी गेट द आंसर, कॉस्ट ऑफ 864 अल्मीरा इज 51,62,400। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में जाने से पहले इसको करना पड़ेगा सब, ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ अ बाइसाइकल इज रुपीज 5625, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 148 बाइसाइकल। अब एक बाइसाइकल की कॉस्ट दी है 5625, तो कॉस्ट ऑफ 148 बाइसाइकल हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन, What is given in the question? First statement यहीं से बन जाएगा, cost of one bicycle is rupees 5625. So cost of 148 bicycle is 5625 multiply by 148. एक bicycle की cost दी है, 148 की पूछी है, तो जो one bicycle की cost होती है उसको 148 से multiply करेंगे तो हमें answer मिल जाएगा। See, 5625 multiply by 148. अब हमने क्या किया, 148 का एक्सपांडेड फॉर्म लिखा, 100 प्लस 40 प्लस 8, ऐसे पढ़ते ना, 148 एक्सपांडेड फॉर्म लिख दिया। अब फर्स्ट लाइन में हम 5625 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सेकेंड लाइन 5625 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड लाइन 5625 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीन डिजिट बन गए हमारे 100, तीन नंबर बन गए 100, 40 और 8। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 100, इन सेकेंड लाइन मल्टीप्लाई बाय 40, इन थर्ड लाइन मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, अब देखो 100, सो अगेन कितने जीरो है, 2 जीरो, तो फर्स्ट यू पुट 2 जीरो, देन 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5 आ गया। नाउ इन सेकेंड लाइन किससे मल्टीप्लाई करना है, 40 से, 40 में कितने जीरो, 1 0, फर्स्ट यू पुट हियर 1 0, यहां पे आप पहले एक जीरो रख दोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 जा 20, तो 20 का जीरो यहां पे और यहां आ जाएगा 2 कैरी,
ठीक है, अब फोर टू जा एट, एट प्लस टू टेन, टेन का जीरो और वन कैरी. नाउ फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव, तो फाइव यहां पे और टू हो गया इस फाइव के ऊपर कैरी. ठीक है, फोर फाइव जा ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी टू. और आपको ये याद रखना है, रखता है डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है हमेशा. ओके, इन थर्ड लाइन फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई एट, सो एट फाइव जा फोर्टी, फोर्टी का जीरो, फोर कैरी हो गया टू के ऊपर. ये फोर हो गया यहां पे कैरी. देखो हमको भी बेटा सीखना होता है ये, है ना. फोर नहीं बन रहा, इसे बनाएंगे. ओके, नाउ एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस फोर सेवनटीन, एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, सो अगेन ट्वेंटी का जीरो यहां आ गया और टू कैरी कहां हो गया, इसके ऊपर टू कैरी हो गया. ओके, नाउ एट सिक्स जा फोर्टी एट, फोर्टी एट प्लस टू फोर्टी नाइन, फिफ्टी, फिफ्टी का जीरो और फाइव कैरी हो गया यहां पे. ठीक है, अब एट फाइव जा फोर्टी, फोर्टी प्लस फाइव फोर्टी फाइव, यहां पे हो गया एट से मल्टीप्लाई. अब क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, है ना. सो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, नाउ फाइव प्लस जीरो प्लस जीरो फाइव, फाइव प्लस फाइव टेन, टेन प्लस टू ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू वन कैरी. नाउ फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन का थ्री वन कैरी. नाउ फाइव प्लस टू सेवन, सेवन प्लस वन एट, तो क्या हो गया, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक एट लैक थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड. सो वॉट इज द कॉस्ट ऑफ 148 बाइसाइकल, द कॉस्ट ऑफ, द कॉस्ट ऑफ 148 बाइसाइकल इज, कॉस्ट ऑफ 148 बाइसाइकल इज रुपीज 8,32,500. समझ में आया क्वेश्चन क्या था, एक बाइसाइकिल की कॉस्ट दी थी, 148 बाइसाइकिल की कॉस्ट पूछी थी. तो कॉस्ट ऑफ वन बाइसाइकिल इज 5,625, तो कॉस्ट ऑफ 148 बाइसाइकिल इज मल्टीप्लाई बाय 148, सो आंसर इज कॉस्ट ऑफ 148 बाइसाइकिल इज रुपीज 8,32,500. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, third question. So four thousand nine hundred twelve screws can be packed in one carton. How many screws packed in 1475 such cartons? Carton मतलब box होता है ना, गत्ते का जो box होता है. एक box के अंदर 4912 screws आते हैं. तो 1475 cartons के अंदर कितने screw आएंगे, जब एक ही carton के अंदर इतने सारे screw आते हैं, 4912 screws. तो 1475 कार्टन्स के अंदर तो बहुत सारे स्क्रू आएंगे, मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे. सो सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट, नंबर ऑफ स्क्रूज इन वन कार्टन, एक कार्टन के अंदर कितने स्क्रूज हैं, 4912. सो नंबर ऑफ स्क्रूज इन 1475 कार्टन्स इज इक्वल टू 4912 मल्टीप्लाई बाई 1475. 4912 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1475 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी गेट द आंसर सी. अब मल्टीप्लिकेंड इज 4912, मल्टीप्लायर इज 1475.
पहले एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे 1475, है ना। तो 1000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 5। अब मल्टीप्लिकेंट को पहले 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इन सेकेंड लाइन मल्टीप्लाई बाय 400, देन इन थर्ड लाइन मल्टीप्लाई बाय 70, एंड देन फोर्थ लाइन मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप यहाँ पे पहले लिख दोगे, मल्टीप्लीकेशन करने से पहले ये आपको देख के लिखने हैं, लेकिन मल्टीप्लाई अपने आप करना है, ठीक है। तो फर्स्ट मल्टीप्लीकेंट इज 4912 मल्टीप्लाई बाय 1000, फिर सेकेंड लाइन में लिखोगे 4912 मल्टीप्लाई बाय 400, फिर थर्ड लाइन में लिखोगे 4912 मल्टीप्लाई बाय 70, और फिर फोर्थ लाइन में लिखोगे 4912 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करोगे। अब कितने जीरो यहाँ पे 1000 में, 1 2 3, तो फर्स्ट यू पुट 3 0, 1 2 3, ठीक है। फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो 1 2 2, 1 1 1, 1 9 9, 1 4 4, हो गया, है ना। अब सेकेंड लाइन में देखेंगे, सेकेंड लाइन में क्या है, 4912 मल्टीप्लाई बाय 400। अब 400 में कितने जीरो है, 2 0, तो फर्स्ट यू पुट 2 0 हियर, देन स्टार्ट फ्रॉम 4 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो 4 2 8, तो 8 लिख दिया, फिर 4 1 4, 4 यहां लिख दिया, ना 4 9 36, तो 6 आ गया यहां, और जो आगे वाला नंबर होता है वो कहां चलता है, कैरी हो जाता है आगे वाले नंबर पे, तो 3 हो गया यहां पर कैरी, ठीक है। 4 4 16, 16 प्लस 3, 16 के बाद 17 18 19, तो 90 लिख दिया यहां पर। अब थर्ड रो देखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 70, 70 में कितने जीरो है, 1 0, तो फर्स्ट यू राइट 1 0 हियर, आपने 1 0 यहां लगा दिया। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, 14 का 4 और 1 कैरी हो गया यहां पर, है ना। फिर 7 1 7, 7 प्लस 1 8, यहां आ गया 8। नाउ 7 9 63, आपको ये कैरी नहीं था, 63 का 3 यहां आ गया और 6 हो जाएगा इस 4 के ऊपर कैरी, है ना। अब 7 4 28, 28 प्लस 6 29, 30 31 32 33 34, 34 लिख देंगे यहां पर। अब आएंगे लास्ट 5 से मल्टीप्लाई, 5 2 10, 10 का 0, 1 कैरी, 5 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 लिख दिया हमने। अब 5 9 45, 45 का 5 यहां पे हो गया और 4 कैरी हो गया इस 4 के ऊपर, है ना। 5 4 20, 20 प्लस 4 24, हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इन सबको, प्लस कर देंगे, यहां पे प्लस का साइन लगाएंगे और प्लस करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 हो गया। अब 6 प्लस 4, 6 के बाद काउंट करो 4 तक, 7 8 9 10, 10 का 0, 1 कैरी। नाउ 8 प्लस 8, 16, 16 इन योर माइंड, 5 इन योर फिंगर, आफ्टर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 प्लस 1, 22, तो 22 का 2 नीचे और यहाँ पे 2 कैरी लगा देंगे, है ना। अब 4 प्लस 3, 4 इन योर माइंड, 3 इन योर फिंगर आफ्टर 4, 5, 6, 7, नाउ 7 इन योर माइंड, 4 इन योर फिंगर आफ्टर 7, 8, 9, 10, 11, 11 इन योर माइंड, 2 इन योर फिंगर आफ्टर 11, 12, 13, 13 प्लस 2, 14, 15, 15 का 5, 1 कैरी। नाउ 4 प्लस 2, 6, 6 प्लस 6, 12, 12 प्लस 1, 13, 13 प्लस 1, 14, 14 का 4, 1 कैरी। नाउ 9 इन योर माइंड, 3 इन योर फिंगर आफ्टर 9, 10, 11, 12, 12 in your mind, 9 in your finger, after 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 plus 1, 22, तो 22 का 2 नीचे लिखेंगे और 2 हो गया carry, now 4 plus 1, 5, 5 plus 2, 7, ठीक है, add करके, तो क्या, कितने स्क्रू आएंगे, 1475 curtains के अंदर, 72 lakh 45,200,
आंसर इज द नंबर ऑफ स्क्रूज टू बी पैक्ड इन 1475 कार्टन्स इज 72,45,200। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्वेश्चन था? हाँ, कि एक कार्टन के अंदर 4912 स्क्रूज आते हैं। सो ऐसे 1475 कार्टन के अंदर कितने स्क्रू आएंगे? जब एक बॉक्स के अंदर इतने स्क्रूज आते हैं तो 1475 अंदर तो बहुत सारे आएंगे। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो जितनी भी एक्सपांडेड फॉर्म होती है मल्टीप्लिकेंट को, उनके साथ लाइन में मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में ऐड कर देते हैं। नंबर ऑफ स्क्रूज टू बी पैक्ड इन 1475 कार्टन इज 72,45,200 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ अ मोपेड, मोपेड मतलब दिस इज मोपेड, स्कूटर को मोपेड भी बोलते हैं, इज रुपीज 9,463। एक मोपेड की कॉस्ट 9,463 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 379 मोपेड। तो 379 मोपेड्स की कॉस्ट क्या होगी? जब एक की कॉस्ट 9,463 है तो 379 की तो बहुत सारी कॉस्ट होगी ना। सो सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेंगे। सो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ वन मोपेड 9,463। सो कॉस्ट ऑफ 379 मोपेड इज इक्वल टू 9,463 मल्टीप्लाई बाई 379। ठीक है, अब मल्टीप्लाई देखेंगे। सो 317 मल्टीप्लायर इज 379 एंड मल्टीप्लिकेंट इज 9,463। 379 को मल्टीप्लायर को हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं ना, तो 379, 300 प्लस 70 प्लस 9। अब इन फर्स्ट लाइन मल्टीप्लिकेंट 9,463 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, इन सेकेंड लाइन मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, इन थर्ड लाइन मल्टीप्लाई करेंगे बाय 9 से। ठीक है, अब 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो है, 20। फर्स्ट यू पुट 20, देन मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 3 6 18, 18 का 8 और 1 कैरी हो गया यहां पर, 3 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 का 3, 1 कैरी, और 3 9 27, 27 प्लस 1 28, ये हो गया 300 से मल्टीप्लाई। अब 70 से मल्टीप्लाई, 70 में कितना जीरो, 1, तो फर्स्ट यू पुट 10 हेयर, नाउ मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 21, तो 1 यहां पे, 2 कैरी। ठीक है, 7 6 42, 42 प्लस 2 43, 44, तो 44 का 4 यहां पे और 4 कैरी हो गया इस 4 के ऊपर। नाउ 7 4 28, 28 प्लस 4, 29, 30, 31, 32, तो 32 का 2 यहां आ गया, 3 कैरी इस 9 के ऊपर, 3 कैरी हो गया। नाउ 7 9 63, 63 प्लस 3, 64, 65, 66, तो हमने 66 यहां पे लिख दिया। अब 9 से मल्टीप्लाई, 9 इज अ सिंगल डिजिट, यूनिट प्लेस पे है 9, है ना, इसमें कोई जीरो नहीं है, सीधे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, तो 7 यहां पे, 2 कैरी 6 के ऊपर। नाउ 9 6 54, 54 प्लस 2 55, 56, तो 6 यहां पे, 5 कैरी हो गया यहां पर, 5 कैरी हो गया, है ना। अब 9 4 36, 36 प्लस 5 37, 38, 39, 40, 41, तो 41 का 1 यहां पे और 4 कैरी हो गया यहां पर। अब 9 9 81, 81 प्लस 4 82, 83, 84, 85, 85 हमने यहां लिख दिया। अब तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, 300 से मल्टीप्लाई हो गया, 70 से मल्टीप्लाई हो गया, 9 से मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई के बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों को यहां पे प्लस कर देंगे।
ओके, जीरो प्लस जीरो प्लस सेवन सेवन, सिक्स प्लस वन सेवन, नाउ फोर प्लस वन फाइव, नाइन इन योर माइंड, फाइव इन योर फिंगर, आफ्टर नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फोर्टीन का फोर वन कैरी, नाउ फाइव प्लस टू सेवन, सेवन प्लस एट, एट इन योर माइंड, सेवन इन योर फिंगर, आफ्टर एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन का सिक्स वन कैरी, नाउ एट इन योर माइंड, सिक्स इन योर फिंगर, आफ्टर एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फोर्टीन प्लस थ्री फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, सेवनटीन प्लस वन एटीन का एट वन कैरी, नाउ एट प्लस सिक्स, एट इन योर माइंड, सिक्स इन योर फिंगर, आफ्टर एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन का फाइव वन कैरी, एंड टू प्लस वन थ्री. सो कॉस्ट ऑफ 379 मोपेड इज वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, थर्टी फाइव लैख, एट्टी सिक्स थाउजेंड, फोर हंड्रेड सेवेंटी सेवन इज द आंसर. तो वॉट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ वन मोपेड इज गिवन, दिस इज 9463. और क्या पूछा था, वॉट इज द कॉस्ट ऑफ 379. तो आंसर इज द कॉस्ट ऑफ 379 मोपेड इज रुपीज 35,86,477 इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अ बॉक्स कंटेन 2,748 पेंसिल्स. एक बॉक्स के अंदर 2,748 पेंसिल्स हैं. How many pencils are there in 1674 such boxes? अब ऐसे ही जैसे एक बॉक्स के अंदर 2,748 पेंसिल्स हैं, ऐसे 1,674 बॉक्सेस के अंदर कितनी पेंसिल्स होंगी? So सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट, नंबर ऑफ पेंसिल इन वन बॉक्स, कितनी पेंसिल दी हुई है वन बॉक्स में, 2,748. सेकेंड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ पेंसिल्स इन 1,674 बॉक्सेस, 2,748 मल्टीप्लाई बाई 1,674, है ना, एक बॉक्स के अंदर इतनी पेंसिल है, तो 1,674 बॉक्सेस के अंदर कितनी पेंसिल होंगी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. अब मल्टीप्लायर का एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे, 1,674, 1,000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 4. अब मल्टीप्लिकेंट को पहले 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे इन फर्स्ट लाइन, इन सेकंड लाइन मल्टीप्लाई बाय 600, इन थर्ड लाइन मल्टीप्लाई बाय 70, एंड फोर्थ लाइन मल्टीप्लाई बाय 4. ये पहले लिख देंगे. अब स्टार्ट करेंगे, 1,000 में 30, 1, 2, 3, तो फर्स्ट पुट 30, 1, 2, 3. Now 1 8 is 8, 1 4 is 4, 1 7 is 7, 1 2 is 2. अब 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 में कितने जीरो, 2 0, तो फर्स्ट यू राइट 2 0 हेयर. नाउ 6 8 is 48, तो 48 का 8 यहां पे आ गया और 4 कैरी हो गया इस 4 के ऊपर, ठीक है. अब 6 4 is 24, 24 प्लस 4, 25, 26, 27, 28. तो 28 का 8 यहां पे आ गया, 2 कैरी हो गया 7 के ऊपर. नाउ 6 7 is 42, 42 प्लस 2, 43, 44. तो 44 का 4 यहां पे आ गया और 4 कैरी हो गया इस 2 के ऊपर. 6 2 is 12, 12 प्लस 4, 13, 14, 15, 16. तो 16 हमने यहां लिख दिया. अब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 में कितना जीरो, 1, तो फर्स्ट यू राइट 1 0 हेयर. अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56, तो 56 का 6 यहां पे आ गया, 5 कैरी हो जाएगा यहां पे. ओके, 7 4 जा 28, 28 प्लस 5, 29, 30, 31, 32, 33. तो 33 का 3 यहां पे और 3 कैरी हो गया यहां पे. ओके, 7 7 सा 49, 49 प्लस 3, 50, 51, 52. तो 52 का 2 यहां और 5 कैरी हो गया यहां पर.
ओके नाउ 7 2 14 14 प्लस 5 15 16 17 18 19 तो 19 आ गया. अब फोर्थ लाइन में बचा 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 8 जा 32 तो 2 यहां आ गया, 3 कैरी हो गया इस 4 के ऊपर. 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 17 18 19 तो 19 का 9 1 कैरी. 4 7 जा 28, 28 प्लस 1 29 तो 9 यहां पे और 2 हो गया कैरी. नाउ 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10. अब सब मल्टीप्लाई हो जाने के बाद क्या करेंगे, लास्ट में यहां पे इसको प्लस कर देंगे. ओके तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 2. नाउ 9 इन योर माइंड, 6 इन योर फिंगर आफ्टर 9, 10 11 12 13 14 15, 15 का 5 1 कैरी. नाउ 9 प्लस 3 12, 12 इन योर माइंड, 8 इन योर फिंगर आफ्टर 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 प्लस 1 21, 1 यहां पे 2 कैरी. तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2 20, 20 का 0 2 कैरी. 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 4 15, 16, 17, 18, 18 प्लस 2 20, 20 का 0 अगेन 2 कैरी. 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 2 16, 16 का 6 1 कैरी. 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4. So, how many pencils are there in 1674 boxes? 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. It means 46 lakh 152 pencils are there in 1674 boxes. तो पता चला कि एक बॉक्स के अंदर 2748 पेंसिल्स थी. तो 1674 बॉक्सेस के अंदर कितनी पेंसिल होंगी, 46 लाख 152 पेंसिल्स होंगी. सो आंसर इज देयर आर 46 लाख 152 पेंसिल्स इन 1674 बॉक्सेस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. ओके देयर आर 14,853 बैग्स ऑफ वीट इन अ गोडाउन. एक गोडाउन के अंदर 14,853 बैग्स हैं वीट के. इफ ईच बैग वे 108 केजी, मतलब एक बैग का वेट अगर 108 केजी है, फाइंड द वेट ऑफ दीज बैग्स. तो 14,853 बैग्स का वेट कितना होगा, एक बैग का वेट दिया है, 14,853 बैग्स का वेट पूछा है. ओके सो फर्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट, नंबर ऑफ बैग्स इन गोडाउन, गोडाउन के अंदर कितने बैग्स हैं, 14,853. वेट ऑफ वन बैग, एक बैग का वेट कितना है, 108 केजी. सो टोटल देयरफॉर वेट ऑफ 1483 बैग्स इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई करेंगे 108. किससे मल्टीप्लाई करना है, 108, मतलब टेंस की प्लेस पे कोई भी डिजिट यहां पे नहीं है. तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 100 प्लस 0 प्लस 8. तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 14,853 बाय 100. इन सेकंड रो 10 मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, 0 तो है ना वहां पे. तो 14,853 मल्टीप्लाई बाय 0. इन थर्ड लाइन 14,853 मल्टीप्लाई बाय 8. अब यहां पे 20, तो फर्स्ट यू राइट 20 हियर. 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4 एंड 1 1 जा 1. अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी मल्टीप्लीकेशन की, किसी भी नंबर को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो. तो 0 3 जा 0, 5 जा 0, 8 जा 0, 4 जा 0, 1 जा 0, सब में 0 आ गया. अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, 4 यहां पे लिखा और 2 कैरी हो गया इसके ऊपर, 2 कैरी हो गया 5 के ऊपर. ठीक है, अब
टू बनाएंगे यहां पर. ठीक है, एट फाइव जा 40, 40 प्लस टू 42, तो टू यहां पे फोर कैरी हो गया एट के ऊपर. अब एट एट जा 64, 64 प्लस फोर 65, 66, 67, 68, एट यहां पे लिखा और सिक्स कैरी हो गया यहां पर. क्यों नहीं चल रहा यार? सिक्स कैरी हो गया यहां पर. अब एट फोर जा 32, 32 प्लस सिक्स 33, 34, 35, 36, 36 सिक्स और थ्री कैरी. और एट वन जा, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है बेटा, देखो एट फाइव जा 40, एट एट जा 64, 64 प्लस फोर 65, 67, 68, एट सिक्स कैरी हो गया, एट फोर जा 32, 32 प्लस 6, 33, 34, 35, 36, 37, 38. तो 8 आया यहाँ पे, 3 कैरी हो गया यहाँ पर, 3 कैरी हो गया यहाँ पर. और 8 वन जा 8, 8 प्लस 3, 11. अब इन तीनों को यहाँ पे हम प्लस कर देंगे. ठीक है, तो 0 प्लस 0 प्लस 4, 4, 2, 8 प्लस 0, 8, 8 प्लस 3, 11 का 1, 1 कैरी. Now 8 plus 0 is 8, 8 plus 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13 plus 1, 14 ka 4, 1 carry, 8 plus 1, 9, 9 plus 1, 10 ka 0, 1 carry, now 4 plus 1, 5, 5 plus 1, 6, or 1 as it is, 1 plus 0, 1. So, answer is weight of 14,583 bags is how much? Ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh. It means 16,4,124 kg. So 14,583 bags ka weight is 16,4,124 kg is the weight. So samajh mein aaya aapko ye 6 word problem? Maine aapko aaram se dheere dheere isliye explain kiye hai कि आपको पता चले जो भी मल्टीप्लायर होता है उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है. फिर जैसे कि यहाँ पे 108 है तो 100 प्लस 0 प्लस 8, फिर मल्टीप्लिकेंट को उसकी एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो ये 6 मल्टीप्लिकेशन के वर्ड प्रॉब्लम की पीडीएफ भेजूंगी, वो आपको नोटबुक में लिखनी है नीटली. उसके बाद मैं एक वर्कशीट दूंगी, वर्कशीट में 4 क्वेश्चन होंगे, वो आपको अपने आप करने हैं. उसके 2 दिन बाद मैं सोल्यूशन भेजूंगी, तो आप चेक कर सकते हो कि आपके स्टेटमेंट और कैलकुलेशन बराबर है कि नहीं. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. ओके, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास. बाय एंड टेक केयर.